दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो टैगिंग, जो आपके विद्यालय में प्लांटेशन हुआ है उसकी करना है। तो ये सभी टीचर्स देख लें, स्कूल में कम से कम एक लोगों को इसको कर देना है। इसका ये ऐप है ARCGIS क्विक कैप्चर के नाम से। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करके, जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद आप इसको करेंगे ओपन। तो इसको जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके इसको चलिए कर लेते हैं ओपन। ओपन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस खुलेगा, उस इंटरफेस पे आने के बाद, इंटरफेस जो खुलता था उस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी लॉगिन करने में। पिछली बार भी हम इसको ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इस बार मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको बताऊँगा। आराम से आपकी जो है लॉगिन हो जाएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसका फर्स्ट इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आपको जो है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आएगा क्विक कैप्चर के नाम से आ जाएगा। साइन इन विथ ARCGIS ऑनलाइन, इस पर आपको नहीं जाना है, नीचे वाले पे जाना है साइन विथ ARCGIS इंटरप्राइजेस, इसको कर लेना है आपको ओपन। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपसे एक जो है, जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे जो है एक URL कोड मांगेगा। तो URL कोड मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, इसको आप जो है डाल दीजिएगा। वो URL कोड यहाँ पे आपको डालना है। जब आप URL कोड डालेंगे तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये ब्लैक कलर का टिक लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा जब ये URL आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, यानी कि आपका URL सही है। तो अब इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे लॉगिन करने के लिए मांगेगा। यहाँ पे आपको ID और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम जो होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, DFO, और उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। ये आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। DFO, हम जैसे उन्नाव से हैं तो हमने उन्नाव डाल दिया, अगर आप जिस जिले से वहाँ डाल दीजिएगा। जो पासवर्ड होगा वो forest@123 होगा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम पासवर्ड है। तो आपको फॉरेस्ट स्मॉल लेटर में ही ये भी लिखना है आपको, forest123। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउज़र प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और इसके बाद ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। 30 करोड़ पौधारोपण जन आंदोलन, तो 30 करोड़ पौधारोपण जन आंदोलन 2021 जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उस पर आपको कर देना है क्लिक। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे इस डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद आपसे कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए हैं, तो आपको अपना डिपार्टमेंट चुन लेना है, बेसिक शिक्षा। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट चुनना है। चलिए ये देखिए बेसिक शिक्षा दिया है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर अगला इंटरफेस जो खुलेगा, चलिए उस पर देख लेते हैं। सीधे आपका फिर फ़ोटो क्लिक करना है। तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया पौधे का, फ़ोटो जैसे ही आप पौधे का क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे ये नंबर पूछेगा, कितने नंबर इस तरह के पौधे के लगे हैं, तो उसको डाल के आपको डन कर देना है। और यहाँ पे देखिए ऊपर फिर 30 करोड़ पौधारोपण जन आंदोलन में एक लिख के आ रहा है, यहाँ पर ये 1 लिख के आ रहा है, वहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे बॉटम में फिर आपसे जो है यहाँ पे देखिए लोकेशन आ जाएगी, आपकी स्कूल की लोकेशन आ जाएगी। और यहाँ पे लोकेशन, इसके बाद ये जो आपने फ़ोटो कैप्चर किया है इसको सेंड करने का ऑप्शन नीचे दिया होगा। सेंड फ़ोटो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंडिंग फ़ोटोज का ऑप्शन आ रहा है, और ऑल रिकॉर्ड्स आर सेंड, तो ये आपका लिख के आएगा कि आपने जितनी फ़ोटो ली थी वो सेंड हो गई। GPS एक्यूरेसी भी देखिए यहाँ पे आ रही है। उसके बाद दूसरा फ़ोटो लेने के लिए फिर से हम अपने विभाग को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे फ़ोटो की तरफ, दूसरे प्लांट की तरफ चलेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे प्लांट को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है एक पौधा है, इसके 3 पौधे हमने लगा रखे हैं, तो इसको कैप्चर करेंगे और इसकी संख्या जितनी भी है 3-4 जो भी है वो फिल कर देंगे इसको खींचने के बाद। जितने भी पौधे हैं उनकी फ़ोटो कैप्चर करके सेंड कर दीजिए, उसका डाटा सेंड हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।